हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू संक्षेप ब्रेन थी। नेचर नर्चर, नेचर जो सबको नर्चर करती है एंड टुडे वी आर मेडलिंग विद नेचर, व्हाट वी शुड वर्क इन हार्मनी विद नेचर। सो यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी बंडल्स, नेचर में बहुत सारे बंडल्स हैं, मिरेकल्स हैं या मिस्ट्रीज हैं नेचर में, जो कि स्टिल वी डोंट हैव एनी आंसर फॉर देम। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में भी हम ऐसे ही एक बंडल के बारे में बात करेंगे, बंडल्स ऑफ नेचर। ठीक है, तो एक सी स्लग है विच कैन कट ऑफ इट्स हेड एंड देन रीजनरेट द होल बॉडी। क्या हुआ कि रिसेंटली जो साइंटिस्ट ने उन्होंने सी स्लग को फाइंड आउट किया, स्टडी किया है। सी स्लग जो है वो एक इनवर्टिब्रेट है, मैराइन इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, एंड ये जो है कि एक टेरेस्ट्रियल स्लग की तरह ही दिखता है और इसको हम सी स्नेल भी कहते हैं कई बार इसको। सो एक्चुअली एक जो है एक मैराइन इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो एक सी स्लग है जो कि अपना विच कैन कट ऑफ और चॉप ऑफ इट्स हेड एंड इट हैज द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट इट्स होल बॉडी। ठीक है, सो साइंटिस्ट ने दे हैव क्लेम दैट दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी। ठीक है, तो रिसेंटली दिस लास्ट वीक में इट वॉज इन न्यूज एंड मेनी न्यूज मीडिया चैनल कवर्ड इट। सो लेट्स डिस्कस दिस लेक्चर एंड अबाउट दिस सी स्लग एंड दिस बंडल्स ऑफ नेचर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज मीडिया चैनल ने या इसको कवर भी किया था कि सम सी स्लग्स कैन शेड एंड रीजनरेट देयर होल बॉडी। ठीक है, और दिस सी स्लग्स कैन सेल्फ डिकैपिटेट एंड ग्रो ए न्यू बॉडी। ठीक है, एक्चुअली ये जो रिसर्च है अभी मार्च में ही, अभी 8 मार्च को, अभी दो दिन पहले ही, ठीक है, दो तीन दिन पहले ही इट वॉज ए रिसर्च पब्लिश की गई थी इन द करंट बायोलॉजी जर्नल में, जो कि सेल प्रेस का जर्नल है, रिसर्च जर्नल है करंट बायोलॉजी में। सो बाय ए जैपनीज, बाय द जैपनीज साइंटिस्ट। ठीक है, सो यू कैन सी दैट द टाइटल ऑफ द पेपर दैट एक्सट्रीम ऑटोटॉमी एंड होल बॉडी रीजनरेशन इन फोटोसिंथेटिक सी स्लग। ठीक है, तो ये जो था कि ये जैपनीज साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली इस वर्क को पब्लिश किया, अभी तीन दिन पहले ही। ठीक है, सो दे हैव क्लेम दैट दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑटोटॉमी के बारे में ही जान लेते हैं कि वट इज ऑटोटॉमी है, होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, वट इज ऑटोटॉमी, तो ऑटोटॉमी अगर आप देख सकते हैं तो ऑटोटॉमी जो है वो एक मैकेनिज्म है। ठीक है, एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये मैकेनिज्म पाया जाता है, ऑटोटॉमी प्रोसेस है एक्चुअली एक तरह का, मीन्स द वॉलंटरी शेडिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट। वॉलंटरी शेडिंग ऑफ ए बॉडी पार्ट मीन्स क्या होता है कि ऑटोटॉमी मीन्स सेल्फ एम्पुटेशन। सेल्फ एम्पुटेशन मीन्स एक तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है, जिसमें कि क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई प्रीडेटर है, ठीक है, कोई प्रीडेटर है, किसी अटैक करता है कोई प्रीडेटर। ठीक है, जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है, दिस इज ए लीजर। ठीक है, तो मान लो दिस इज ऑटोटॉमी मीन्स इट हैज शेड ऑफ इट्स टेल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसकी टेल जो है वो अलग होगी। आप सभी ने भी घर में भी बहुत सारे घर की दीवारों पे छिपकली देखी होगी, ठीक है, लीजर देखी होगी। ठीक है, विच आर डिवॉइड ऑफ टेल, जिनमें मतलब विदाउट टेल, ठीक है, जिनमें पूंछ नहीं होती है, विदाउट टेल होंगी। ठीक है, सो एक्चुअली दैट ऐसा होता क्यों है कि दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी मीन सेल्फ एम्पुटेशन, जिसका मतलब कि जब कोई एनिमी या प्रीडेटर अटैक करता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो ये टेल है इसका, जैसे लीजर्ड का ही एग्जांपल ले लें अगर हम, तो ये टेल जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक ऑफ हो जाती है एंड ये कुछ टाइम के लिए हिलती रहेगी, ये जो टेल है एक्चुअली कुछ टाइम के लिए हिलती रहेगी। ठीक है, आपने देखो कि हिलती रहेगी कम से कम आधे घंटे तक। ठीक है, तो वो क्या करती है एक्चुअली, जो उसका एनिमी है जो भी ये एनिमल उस पर, या एनिमी जो अटैक किया होगा, प्रीडेटर उस पर अटैक किया होगा, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, तो वो जो है वो इसी के साथ उलझा रहेगा और जो लीजर्ड है दैट कैन एस्केप। ठीक है, जो ये एस्केप कर जाती है। सो आप बोल सकते हैं कि एक तरह की एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है, ठीक है, जो ऑटोटॉमी है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट ऑटोटॉमी आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एम्पुटेशन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू रिलीज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज बीन ग्रास्प्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, सो इसका देख सकते हैं, नोटेबल एग्जाम्पल इज फाउंड अमंग द लीजर्स दैट ब्रेक ऑफ द टेल व्हेन इट इज सीज्ड बाय ए प्रीडेटर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है कि जब कोई प्रीडेटर अटैक करता है तो दिस ऑटोटॉमी प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली क्या है कि ऑटोटॉमी प्रोसेस के थ्रू, सेल्फ एम्पुटेशन के थ्रू, उनकी जो टेल है दैट ब्रेक ऑफ एंड ये जो है रिगल करती रहती है, हिलती रहती है आधे घंटे तक, तो टू डिस्ट्रैक्ट द एनिमी। ठीक है, सो आप ये जो ऑटोटॉमी का फिनोमिनन जो है, यू कैन, जैसे कि मैंने लीजर्ड की बात करा था, लीजर्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो और यू कैन फाइंड दिस फिनोमिनन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स में पाए हैं जिसमें कि ऑटोटॉमी पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं तो अपने जो बर्म्स हैं, ठीक है, तो उनमें भी ये फिनोमिनन, यू कैन सी दिस फिनोमिनन ऑफ ऑटोटॉमी इन बर्म्स में भी। ठीक है, फिर आपके स्पाइडर्स में भी और सालामेंडर में भी, ठीक है, यू कैन फाइंड दिस ऑटोटॉमी फिनोमिनन। ठीक है,
सो एक्चुअली जैसे टेल ऑटोटॉमी की बात करें इन लिजर्ड में, ठीक है, तो दैट इज वेरी एक्सटेंसिवली, दैट इज मीन स्टडी एक्सटेंसिवली एक्चुअली. अगर हम बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि जो टेल ऑटोटॉमी की बात करें तो लिजर्ड्स का ये जो सेक्शन है ना, जहां से ये जो इनका टेल ओरिजिनल, मान लो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, तो ये जो सेक्शन है तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल प्लेन, फ्रैक्शनल प्लेन, ठीक है. तो इस सेक्शन में क्या होता है ना एक्चुअली, जो इनका जो ये होता है बहुत ही वीक होता है ये वाला एरिया, जो काफी वीक होता है. और जब जैसे मान लो अटैक होता है या क्या होता है, जो प्रेडेटर अटैक होता है या किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया में के मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं इनके. तो फिर जब वो मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो जब वो पुल अप होता है, मतलब अटैक होता है, जब वो पुल अप करते हैं तो ये मसल ब्रेक अप हो जाते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि ये टिश्यू जो ये वाला एरिया जो होता है वो वीक होता है, तो ये ब्रेक अप हो जाती है खुद ब खुद ही. तो यू कैन सी दैट दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म, दिस इज ऑटोमाइज फॉर्म दैट इज विदाउट टेल, एंड दिस इज रीजनरेटेड फॉर्म. तो उसके बाद ये रीजनरेट भी कर लेती है, ठीक है. तो बट जब ये रीजनरेशन होती है तो उसमें कुछ जो इसका मॉर्फोलॉजी है, यू कैन से मॉर्फोटाइप जो है या फिनोटाइप जो है, उसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका जो मॉर्फोटाइप है, ठीक है. सो दिस इज द मतलब एक्सट्रीम, दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ यू कैन से दैट टेल ऑटोटॉमी इन लिजर्ड, ठीक है. सो ऐसा ही एक्चुअली फिनोमेन जो है अभी एक्सट्रीम ऑटोटॉमी का फिनोमेन, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जापानी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है इन ए सी स्लग में, ठीक है. दिस इज अ सी स्लग, यू कैन सी दैट विच कैन शेड ऑफ इट्स हेड, जो अपना हेड जो है शेड ऑफ कर सकती है, कट ऑफ कर सकती है. और उसके बाद क्या होता है कि जो इसका पूरा बॉडी है दैट कैन वो रिजनरेट भी हो जाता है, ठीक है. सो दिस फिनोमेन दे हैव फाउंड दिस सी स्लग दैट, ठीक है, तो जापानी साइंटिस्ट है. सो दे हैव फाउंड दैट एक्सट्रीम केस ऑफ रिजनरेशन, अल्टीमेट केस ऑफ रिजनरेशन, एंड कैन से दैट एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी, ठीक है. क्योंकि दे हैव फाउंड दैट सम डीकैपिटेटेड सी स्लग्स, ठीक है, दे कैन रीग्रो देयर हार्ट एंड होल न्यू बॉडीज. क्या हो रहा है कि जब हेड चॉप हो जा रहा है तो जो पूरा होल बॉडी है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है, उनसे चॉप ऑफ हो जा रहा है. तो होल बॉडी में यहाँ पे हार्ट पोर्शन भी इसी बॉडी में है. तो मतलब दिस इज एक्सट्रीम, यू कैन सी दैट दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम ऑटोटॉमी एक्चुअली, जिसमें कि क्या हो रहा है कि पूरा होल बॉडी जो है वो रीजनरेट हो जा रहा है, विद हार्ट जो है वो अलग हो जा रही है, हेड चॉप ऑफ हो जा रहा है, ठीक है. एंड ये जो होता है एक्चुअली कि जब ये सी स्लग जो होती है एक्चुअली दे फीड ऑन, फीड करते हैं किसी टाइप के अलगी के ऊपर, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है. तो जब ये अलगी के ऊपर फीड करते हैं तो इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि दे कैन फोटोसिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द सनलाइट एंड ऑक्सीजन जस्ट लाइक ए प्लांट फॉर अबाउट 10 डेज, ठीक है. तो इनमें ये भी एबिलिटी होती है कि तो फोटोसिंथेसाइज करने की अपना फूड, क्योंकि वो एल्गी के ऊपर फीड करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स की तरह ही दे हैव द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज देयर फूड, साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है, ठीक है. सो एक्चुअली क्या होता है कि लैब में जब वो काम कर रहे होते हैं तो देशा सम दिस टिप दिस बोल सकते हैं कि दिस बियर्ड फीचर या बीजा, ठीक है, इसको देखा उन्होंने लैब में जब वो काम कर रहे थे लैब में, ठीक है. देशा दैट एक सी स्लग है विच जिसने कि अपना हेड जो है वो चॉप ऑफ कर दिया खुद ही, ठीक है, means that decapitated itself and the head kept on moving, head जो वो हिलता रहा, ठीक है, living, and then a couple of more did same. तो लोग उसके बाद कुछ और सी स्लग ने भी ऐसा किया और उसके बाद whole body regenerate हो गया, ठीक है. तो this is the extreme case. You can see this this Cell Press publisher, they have tweeted on this, they have tweeted also and they have released a video of also this head chopping, ठीक है. So you can see that sea slugs which don't mind losing their heads. Not only can the sea slugs elect to detach their heads and survive, but they can regrow a whole new body. ठीक है, so मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो डिटैच ही कर रही है हेड को, पर पूरा बॉडी भी रीग्रो कर जा रहा है. तो उन्होंने ये पूरा जो वीडियो है ये रिलीज किया है पब्लिकली, दिस इज पब्लिकली अवेलेबल, एंड हेयर इज द लिंक इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस वीडियो, एंड हेयर आई विल आल्सो शो यू दिस वीडियो इन दिस लेक्चर, ठीक है. सो यू कैन सी हियर दैट दिस वीडियो एंड यू विल फाइंड इट्स क्वाइट वंडरफुल, दैट इज एक्सट्रीम केस ऑफ वंडर ऑफ नेचर. सो यू कैन सी दैट. ओके,
So now, after this, you can see that I hope you might have liked the video and how wonderful is it, how amazing it is. Means these are really the wonders of nature. Means such a extreme phenomenon, or you can say that but is typical wonderful creatures are these in the nature. ठीक है. So actually, जो इस डॉक्टर स्टूडेंट हैं actually जो सयाका एंड जो उनके प्रोफेसर हैं, he is the professor, ठीक है, who is working in the Japan, Yoshi Usa, ठीक है, he is mainly work on the ये जो mainly aquatic biology पे ही काम करते हैं. तो एक्चुअली उन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखा. उसके बाद जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया फिनोमेना, तो उन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 16 ऐसी सी स्लग्स ली और उनके हेड को चॉप ऑफ कर दिया, ठीक है. मींस जो उन्होंने खुद देखना चाहते थे, तो उन्होंने 16 ऐसी ली, तो उन्होंने उनके हेड को चॉप ऑफ कर दिया, कट कर दिया, ठीक है. और उसमें से क्या हुआ कि जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद उसको, तो उन्होंने देखा कि उसमें से जो 6 क्रिएचर्स थी, ठीक है, 6 में रीजनरेशन उन्होंने देखी और उसमें से 3 जो है वो सरवाइव करी उसके बाद, ठीक है. तो उन 3 में भी एक ने तो 2 बार जो है ये फिनोमिनन शो किया, जो ऑटोटॉमी का कह लो, ठीक है, 2 बार उन्होंने मतलब ये फिनोमिनन, मतलब यू कैन सी दैट 1 of 3 इवन लॉस्ट एंड रीग्रू इट्स बॉडी ट्वाइस, ठीक है. सो एक्चुअली उन्होंने 2 सी स्लग की स्पीसीज को स्टडी किया इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, 2 जैपनी सी स्लग की स्पीसीज को. सो जो कि आप देख सकते हैं कि ये हैं, 1 इज एलिसिया मार्जिनेटा एंड अनदर इज एलिसिया एट्रोविरिडिस, ठीक है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट स्पीसीज का एग्जांपल है. तो दिस इज द 0 डे कंडीशन है. आप देख सकते हैं कि चॉप्ड हेड अलग है और ये दूसरा बॉडी फुल बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग हार्ट यहाँ पे है जिसका हार्ट सिस्टम है, ठीक है. तो ये वेयर शो कर रहा है. तो यहाँ दिस इज द 0, मतलब बोल सकते हैं कि 0 डे कंडीशन है जब ऑटोटॉमी हुई है, तो हेड जो वो अलग हो गया, ये हेड पोर्शन है, ठीक है. और उसके बाद क्या, उसके बाद जो ये नेक्स्ट फिगर है, ये सिचुएशन जो है आफ्टर 7 डेज के बाद ये सिचुएशन है कि थोड़ा ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है. दिस इज द कंडीशन आफ्टर 14 डे एंड दिस इज द कंडीशन आफ्टर 22 डेज. 22 दिन के बाद क्या होता है कि होल बॉडी, यू कैन सी दैट जो हेड पोर्शन है होल बॉडी रीजनरेट होना शुरू हो गई है, ठीक है, हो गई है एक तरह से, ठीक है. और इसी तरह से दूसरी चीज भी, तो यहाँ पे एक्चुअली जो लीजेंड में भी जैसे हम बात कर रहे थे फ्रैक्शनल प्लेन होता है, तो इसकी तरह से इनमें भी जो हेड पोर्शन है यहाँ पे फ्रैक्शनल प्लेन होता है. सो इसी तरह ये दूसरी स्पीसीज का एग्जांपल है एलिसिया एट्रोबिडिस का, ठीक है. तो 0 डे कंडीशन में कैसे है और ठीक है, और उसके बाद मतलब 3 डेज पे क्या कंडीशन है, 14 डेज पे क्या कंडीशन है, और 22 डेज पे यू कैन सी दैट होल बॉडी रीजनरेशन हैज स्टार्टेड एक्चुअली ऑलरेडी, ठीक. तो इस जो ये प्लेन है फ्रैक्शनल प्लेन या ब्रेकेज प्लेन भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको लीडर के केस में बताया था. तो एक्चुअली यू कैन सी दैट ये जो फर्दर कहते हैं कि जैसे कि और लीजर्ड या सालमंडर है, स्पाइडर के बारे में बात कर रहे थे कि दे दिस केस ऑफ ऑटोटॉमी का पाया जाता है कि पीछे से काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेटर. तो ये जो एक्चुअली जो प्रोफेसर यूसो हैं, ये फर्दर ये कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी है. ये जो सी स्लग में जो फाइंड आउट किया गया है इन्होंने, दैट इज एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी है, क्योंकि जो दूसरे एनिमल है क्या करते हैं कि जिनमें की ऑटोटॉमी पाई जाती है, कि जिसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो उनमें कहते हैं या तो लेग दे ऑटोमाइज देयर लेग्स को या अपेंडेजेस या टेल्स को, ठीक है. बट ये टिपिकल एग्जाम्पल है कि जहां पे जो कोई एनिमल जो है ये कोई इन्वर्टिब्रेट अपना पूरा बॉडी ही शेड कर दे रहा है इंक्लूडिंग हार्ट एंड एवरीथिंग. सो इसलिए इन्होंने बोला कि दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी है, ठीक है. तो फर्दर हालांकि इन्होंने फर्दर क्या मैकेनिज्म है, हालांकि दे हैव सस्पेक्टेड दैट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है कि जो इसका एबिलिटी है ना फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड करने का, जो एल्गी के ऊपर फीड करती है एंड प्लांट्स की तरह इसके पास एबिलिटी है टू फोटोसिंथेसिस करने का टू मेक इट्स फूड, तो कहीं ना कहीं मे बी दैट प्रोसेस हैज द रोल इन दैट जो ये एक्सट्रीम केस ऑफ ऑटोटॉमी है मैकेनिज्म है. हालांकि दे हैव नॉट स्टडीड, दे हैव सेड दैट फर्दर मोलिकुलर लेवल जब इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिटेल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, सो डेफिनेटली दैट वुड बी हेल्पफुल एंड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सेल्स और टिश्यू जो है दे कैन रिपेयर द डैमेज, ठीक है. सो दैट वुड बी हेल्पफुल इन मतलब इन फर्दर केसेस में, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर ह्यूमंस के केस में भी, जैसे कि हम वी कैन रीजनरेट टिश्यूज और वी हाउ आवर टिश्यूज और सेल को हम रिपेयर कर सकते हैं अपने जो लॉस्ट टिश्यूज हैं या रीजन वी कैन थिंक ऑफ इन लेटर ऑन, ठीक है. सो इन दिस कंटेक्स्ट यू कैन सी दैट दिस इज क्वाइट हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल स्टडी. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज लेक्चर एंड आई होप यू माइट फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. And with this, I would say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you.